झील की पुलिया के समीप 30 वर्षीय युवक की मौत। उत्तर के झील की पुलिया इलाके में बीती रात 30 वर्षीय राजेश की मकान की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद परिवारी जन और क्षेत्रीय लोग एकत्रित हुए। पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पूरा मामला पुलिस और परिवारी जनों के बीच रफा दफा कर दिया गया है। मेरा नाम भूपेश। कैसे क्या घटना हुई है? ऐसा ये दारू पीने डेली जाते हैं और डेली कभी रात में 11 बजे कभी 12 बजे आते हैं ये पी के। तो मेरे को तो काम करके मैं सो जाता हूँ अपने। अब ये आते हैं रात में अपने आपस में बतलाते रहते हैं, यानी किससे क्या बात करते हैं इतना मुझको नहीं पता। आप ही रात सो रहे थे रात में? हाँ, हम सो रहे थे दोनों लोग और मैं नहीं पता ये कितने घंटे कैसे गिर गए। तो आप सोते रहे, आपको पता नहीं? हमको नहीं पता। क्या किसके जरिए आपको पता चला फिर बाद में? हमारे नीचे सेठ जी थे, जैसे ही ये नीचे गिरे तैसे सेठ जी हमारे और सीटानी ऊपर गई हैं। तो भूपेश राजेश कहाँ? मैंने यही सो रहे होंगे। यहाँ तो है ना राजेश, जब हमने दोनों लोगों ने व्यक्त देगा जितने नीचे करो, जब हम दोनों लोग नीचे बैठे आए। नशा वगैरह ज़्यादा करता था? नहीं, नशा नहीं करता था वो। और हाँ, वो तो दारू भी पीते थे, भांग भी खाते थे। मेरा नाम घटना हुई, कैसे क्या घटना हुई? ये ऐसा था, मेरे यहाँ लेबर कारीगर साहब लेबर के काम करता था। जे रात को 11 बजे आया दारू पी कर, इसका साथी और है जे ऊपर सो रहे थे दोनों लोग, और करीब 1:30 बजे ऊपर से एक आवाज़ हुई है। मैं उसके साथी के पास गया, मैं दूसरा साथी कहाँ है, तो जे केवल मुझे नीचे गली में पड़ा दिखा है। मैंने जैसे पड़ा दिखाया था पूरे मोहल्ले वालों को सूचित कर दिया है कि देखो जो घटना हो गई है। फिर गया सब लोगों की भीड़ लग गई, जैसे इनके जो भाई बंधु उनके पास फोन वगैरह किया है। तो मौत हुई है, मतलब वो नशे में था दारू पी के। हाँ,